मैं ही तैयार हुई थी। चल जा, मैं हुई थी। हम इंसानों जैसे लग रहे हैं ना। वैसे इस बार हमने बढ़िया मेकअप करने की गलती कैसे कर ली यार? हमारे डायरेक्टर के बिजी होने का हमने फायदा उठाया। हमने जल्दी से ऐसा मेकअप चैलेंज किया ताकि हम इंसानों जैसे सुंदर लग सके यार। और इस वीडियो में आपको एक नहीं दो दो ब्राइडल मेकअप लुक देखने को मिल रहा है, तो वीडियो को 1,00,000 लाइक तक तो पहुंचाना बनता ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लड़ रहे हैं ना, देखो एंगुलर ब्रश के लिए। नहीं नहीं, अब भाई सारे ब्रश अपने पास रख लिए। कितनी चालू है तू। किसी ने रख रखे यार, मुझे भी दो ब्रश। चल अंकु अपने बारे में कुछ बता, कोई जोक सुना दे। क्यों, तू सुना अपने नाम पे? नहीं, तू सुना ले अपने नाम पे। तेरा क्या नाम है? मैं हूँ अनुष्का और मेरी एक पागल सी फ्रेंड है अंकु शर्मा। वैसे कॉन्सेप्ट तो पता चल ही गया कि जैसे हम इतना मेकअप करते हैं तो हमने सोचा कि कुछ अलग सा चैलेंज लेकर आए, ब्राइडल हम मेकअप करें। सो देखते हैं कि किसके बस की क्या है। तो ऐसे आंख मार दिया कर ना। अब मैं ऐसे करूँ? तू बहुत बदतमीज अंकु, समझ जाइए। ठीक है, मेरे तो आईब्रोज डन हो गए, तो मैं कंसीलर पे। अरे भाई, एक तो मेरे आईब्रोज में बाल हैं और लोगों की तरह नहीं, चार बाल हैं। कितनी पतली आईब्रो है तेरी। तो मैं थोड़ी अपनी आईब्रो को ना वो अच्छे से क्या होते हैं पॉपअप करे, तो मैं कंसीलर से उसे वो कर रही हूँ, कंसील कर रही हूँ, कंसीलर से कंसील कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ। पता है नहीं ये करेंगी मेकअप ब्राइडल, यही घुसा पड़ेगा तेरा बीच में। ये मैंने बना के रखा है। एक वर्ड और बोल तू मुझे, मेरी आईब्रोज देख। हाँ बहुत अच्छी है, मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ। मतलब ये करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि अरे आप दीदी कितना लड़ते हो हाँ। है ना हाँ। पर वो बात सच है, हम लड़ते हैं थोड़ा थोड़ा प्यार वाला। देखें तो बचपन में बदतमीज बच्ची थी। बदतमीज एज इन? मतलब की शरारती। वैसे तो दो अभी भी है। ब्राइडल्स को कितनी सारी ब्राइडल्स हैं। हम दोनों ने ब्राइडल्स हो गई ना। तलवार तलवार जैसे लाइन लगाती हूँ मैं। यूं यूं करो। चल मेकअप कर, मेकअप। मोटे हो तो मोटे लगोगे, मैं पतली हूँ तो मैं पतली लगूंगी। हाँ, मैं तो बोल ही रही हूँ। अब ये भी मतलब नॉर्मल होती तो ठीक रहता ना तू। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने इस वीडियो के लिए 1 घंटा नेल आर्ट करा तेरे नेल आर्ट करते करते। तो मैंने ये वेट वाइप से ये पहुँचा ना हाँ। तो ये सारे ग्लिटर्स उड़ गए। क्या बात करी दिखा दे। तो बड़ी चुप है। अगर अभी मेरा नेल आर्ट बिगड़ जाता ना तो इतनी गालियां देती कि मैं क्या बताऊं। मैंने मेहनत करी है तो अब मैं खुद को तो गालियां नहीं दूंगी ना। दो ओ अच्छा, हम फाउंडेशन और हमारी स्किन टोन बहुत ही सेम है तो हम सेम यूज करते हैं। 1 pound तूने कहा ना बहुत ही कम सा लगा रही है आजकल। फाउंडेशन की ज्यादा जरूरत नहीं तो हमसे कितना सा पंप यूज करते हैं। हाँ, पर अगर आप ब्राइड हो तो आपको थोड़ी थिक लेयर अच्छी, मतलब थिक लेयर से मतलब नहीं कि फुल कवरेज। ब्राइडल हो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम ब्लेंडर लग रहा है ना तो ऐसा आवाज आ रही है, ऐसा नहीं हो। मानना नहीं मुझे, तू भी अच्छी नहीं लग रही तो अपनी आंखें फोड़ लो। क्योंकि मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके ह्यूज डार्क सर्कल्स हैं तो आप यूज करो। सर्कल यूज मतलब कुछ ज्यादा ही है तो फिर उसके लिए वो ऑरेंज करेक्टर यूज करो, फिर उसके बाद कंसीलर। कभी हुआ है कि आप मेकअप के साथ ज्यादा पंगे ले रहे हो और और वो खराब हो गया? बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसा। बस अभी आज अंकू कर देती, जब मैं आईलाइनर लगा रही थी अपना मिरर फेंक दिया लड़की ने। मेरा आईलाइनर खराब करती है ना, तो बताती थी। मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था यार, ऐसे कैसे कह रही है। जिससे आपका जो मेकअप है ना, मेरा ब्रश लड़की ने ले लिया इसलिए मैं थोड़े पफ ब्रश से यूज कर रही हूँ। ब्रश मैं ना नोज कंटूर कर रही हूँ क्योंकि मेरी खाने क्योंकि स्किन नाम पकोड़ा है। अच्छा एक बात बता, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। सब मुझे अभी भी जैसे ऐसे बोलते हैं, वो अनायसा वाला बात बोल देते हैं ना, लीजा मेरा नाम से पकड़वा।
यार मैंने लाइव में भी बोला, कई बार बोला कि एक तो ये शादीशुदा नहीं है क्योंकि इस पागल से कोई शादी करेगा नहीं, तेरे तो साथ दे रही हूँ, दूसरी की इसका नाम क्या अनायसा नहीं, अनायसा नहीं है, अनिष्का है। कुमाऊनी में क्या बोलते लड़की को जो गढ़वाले व्यूअर्स होंगे उन्हीं को पता होगा, बताओ। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कभी पता नहीं चलेगा। हमारे चोरी नहीं बोलते। चोरी कब जानी छेरे तो या खादी 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 नहीं यक आदि, मतलब कि यहाँ मेरे नाक में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, पानी जैसे नथुने को पानी की कमी होती तो मैं भर लेती हूँ कैमल की तरह, कैमल और फिर यूज करती। तेरी क्लासमेट्स लड़ाई करती थी किससे, मतलब आपस में जैसे किसी लड़कियों की लड़ाइयाँ हो रही है बाल खींच खींच? नहीं ऐसी नहीं होती, पर तेरी होती होगी। मैं मेरे हाँ तेरी क्लास में, हाँ मेरी क्लास में होती थी, तभी तूने पूछा ना। मैं थोड़ा अपनी ये जो है जॉ लाइन को थोड़ा ब्रेक नहीं ब्रेक कर रहे। अच्छा तुझे मेकअप करने में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब जब नहीं आता था इतना तो क्या क्या दिक्कत आती थी, फिर मैं बताऊंगी। पहले तो कुछ नहीं स्माइल, ब्लश लगाते हुए स्माइल, ताकि आपको आपके ब्लश लगाने का राइट प्लेस अच्छे से पता चल जाए। तड़ा तड़ा, देख मुझे स्माइल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तेरे उठे हुए गाने ना, मैं कमज़ोर लड़की बेचारी। और मैं सोची क्योंकि ब्राइडल है तो अच्छा अच्छे लेवल का आपका ब्लश होना चाहिए, कंटोर आपके पूरे फेस के जो ना एकदम स्कल्प्टेड दिखना चाहिए आपका फेस, इससे ना वो थोड़ा नेचुरल ऐसा लगता है कि अंदर से वो ब्लश कर रहा है। और वैसे भी इसने तो कई बार आप नई दुल्हनिया है तो आप नई दुल्हनिया बनने वाले हो तभी लगानी पड़ेगी, और अगर हम नहीं है तो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वो आपका कॉल है आप लगा लो। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर क्योंकि नई दुल्हनिया को ग्लो भी तो करना है। इतना मत छेड़ अंकू, I'm done. अब हम लगाएंगे काजल। काजल क्यों लगा रही बता? यार थोड़ा बोल्ड लुक आना चाहिए ना, ब्राइडल हो तो जब आप काजल नहीं लगाओगे, आप आई शेडोज नहीं लगाओगे तो फिर आपका आई मेकअप अधूरा लगेगा। हाँ चल अब लगा, ज्यादा ज्ञान देंगे। अब हम लगाएंगे लोअर लैश लाइन में आई शेडो। अब हम लगाएंगे और दूसरों से ना ये चीजें छीनना बंद करूंगा। ये नहीं, मेरी इतनी बड़ी आंख ही नहीं है, ये उन बच्चों में से है वो जो दूसरों के सामान छीन छीन के बच्चे अपनी ड्राइंग पेंटिंग करते हैं ना, ये उनमें से है। मेरा हेयरबैंड कैसा लग रहा है? और मेरा भी क्यूट लग रहा होगा ना, बालक में जैसे दिख नहीं रहा था तो इतने जंगली जैसे बाल क्यों तेरे? शट अप। तो इसके लिए अरे तो बता तो कि हमने लिया कहां से? आप इन हेयर बैंड्स को अपने घर पे बना सकते हो, और वो कैसे? डीआईवाई क्वीन का वीडियो देखिए जो जल्दी आएगा, तो डीआईवाई क्वीन को चेक जरूर करते रहना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा जो न्यू चैनल है डीआईवाई क्वीन, उसे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, तभी आपको पता चलेगा कि ये वाला वीडियो आ गया। वो क्या है ना, मुझे मेरे आई मेकअप से बहुत प्यार है, खराब ना हो जाए तो तुम्हें लैशेस चिपकाती। नहीं इसलिए नहीं है कि अगर आई मेकअप खराब हो जाए तो कि गाली देने के लिए, क्योंकि नेल आर्ट में बेचारी गाली नहीं दे पाई ना किसी को, मजाक कर रहे थे चुप रहो अब। यार तेरी आईज इतनी बड़ी है ना, मेरी आईज में तो मुझे कट करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं। यार अच्छा वाला प्लकर तो आपने ले लिया, दिखाओ दिखाओ देखो मुझे दिखाओ, बंद करो बंद करो, मतलब ये लैशेस लग रहा है कि लैशेस लगाई, मुझे लगता है हर ब्राइड को ये लैश लगानी चाहिए, हर कोई आपकी आंखों को ही देखता रह जाए। वैसे ही इस लड़की ने आपको ये बताना भूल गई कि ग्लू लगाने के बाद आपको 30 सेकंड वेट करना है ताकि वो थोड़ी स्टिकी हो जाए। मुझे भी देख लूं क्योंकि अंकु आधी गधी अच्छी फ्रेंड है मेरी, तू पूरी गधी है ना, क्योंकि
गदी के साथ गदी बन जाते हैं। सुन है, तो उसने मेरी लैशेज लगाई, अपनी लैशेज खराब कर दी थी, मैंने फिक्स कर दी, बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ मैं भी उसकी, तब मैं मस्कारा लगा रही अब जो है ना मस्कारा लगाने के बाद जो हमारी रियल लैशेज और जो फॉल्स लैशेज है वो मर्ज हो जाएंगी ना अच्छे से कोटिंग लाइक यार मस्कारा लगाने से डर लगता है ना कि जोर से लगाया तो ऐसा ना हो कि लैश ही साथ में आ जाए। तो लिपस्टिक जो भी है आपका जो कंट्रास्ट है, मैं कंट्रास्ट लिपस्टिक लगाना पसंद कर रही हूँ अभी। अपनी लिपस्टिक के बारे में कुछ बताओ, ये थोड़ा सा पर्पलिश शेड है, शेड बोलना आता नहीं, शेड है। मेरी जो ड्रेस है वो थोड़ी रेडिश और हल्की सी ब्लैक उसमें वो है समथिंग एम्ब्रॉयडरी, मैं हमें समझ नहीं आया, तुम पागल हो ऐसे करो तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने अपर लिप को कैसे शेप देना है। तो अब अपने क्यूपिड बो को शेप दे रही हूँ। मेकअप हमारा डन हो चुका है क्योंकि हाँ, तो हम बस सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट करने वाले हैं, एक साथ करें क्योंकि हाँ, हम एक ही लेकर आए हैं, तो आदत आदत ही आदत मेरा। नहीं तू अपना कर दे और फिर मेरा भी कर लेना, ले ला पहले तेरे कर ले। मेरी नाक पे भी कर। अब मेरी बारी, मेकअप इज डन, मेरा और सेट कर अच्छे से। यार ये कैसी किलकिल इंसान है यार मेरा, बस मान ले कल को मेरी शादी होगी तो आधा सेट मेकअप में, आधे में मेरा पति डर के भाग जाएगा मेकअप उधर। अच्छा ठीक है, तो हमारा मेकअप डन हो चुका, अब हम दुल्हन की तरह सच के हीरे जवाहरात पहन कर आते हैं निकली वाले। वैसे जो भी है सबसे पहले तो मैं ही तैयार हुई थी, चल जा मैं हुई थी, मैं तैयार हुई थी, मैं हुई थी, सोकण सकनी सोकण सकनी सोकण सकनी वहां तक जाएगी पागल जी, चल चल निकल यहां से। अच्छा ठीक है, वीडियो देख के आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हमें पता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा और सबसे जल्दी मेकअप किसने किया है, ठीक है, बड़े बड़े दिल देके कमेंट्स करना और अनायसा को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना ताकि हमारा वीडियो आए तो आपका फोन वाइब्रेट करे और आपको पता चल जाए कि हमारा नया वीडियो आया है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ और बहुत खुशी है हमको कि आप बिजी थे। हाँ और आप अच्छे लग रहे हैं आज। हाँ चलो जाओ भैया, अरे जाओ, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। हाँ बाय बाय।